వాడిగా ఒడిశాలోని బాలేశ్వర్ జిల్లాలో జరిగిన 3 రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలో పెను విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ దుర్ఘటనలో 238 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వందల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు గాయపడగా మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే పట్టాలపై ఈ భారీ విషాదం చోటు చేసుకుందని తెలుస్తుంది. ఇక ఘటనపై ప్రధాని మోదీ ఆరా తీశారు. కాసేపట్లో ప్రధాని ఘటనాస్థలానికి వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం. అటు ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ కూడా ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించారు. గత రాత్రి 7 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. అంతా నిమిషాల వ్యవధిలోనే జరిగిపోయింది. శుక్రవారం సాయంత్రం 20 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ ఘోర పెను ప్రమాదం సంభవించింది. ఇక ఆ సమయంలో ప్రయాణికులు నిద్రలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బెంగళూరు నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్లోని హౌడాకు వెళ్తున్న బెంగళూరు హౌడా సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ బాలేశ్వర్ సమీపంలోని వహనాగా బజార్ వద్ద శుక్రవారం రాత్రి దాదాపు 7 గంటల సమయంలో తొలుత పట్టాలు తప్పింది. ఫలితంగా దాని పలు బోగీలు పక్కనే ఉన్న ట్రాక్ పై పడిపోయాయి. వాటిని షాలిమార్ చెన్నై సెంట్రల్ కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఢీకొట్టింది. దీంతో కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ కు చెందిన 15 బోగీలు బోల్తా పడ్డాయి. ఈ ప్రమాదం అక్కడితో ఆగిపోలేదు. బోల్తా పడ్డ కోరమండల్ కోచ్లను పక్కనున్న ట్రాక్ పై దూసుకొచ్చిన గూడ్స్ రైలు ఢీకొచ్చింది. 3 రైళ్లు ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొట్టుకోవడంతో ప్రమాద తీవ్రత భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా మంది పట్టాల మధ్యలో చిక్కుకుని ఉన్నారని అధికారులు అంచనా. వారిని వెలికి తీసేందుకు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. అలాగే ప్రమాద సమయంలో 2 రైళ్లు అతివేగంతో ప్రయాణించడంతో తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇక పట్టాలపై చోటు చేసుకున్న విషాదంతో వందల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఇక ఆ ప్రాంతమంతా ఆర్తనాదాలతో నిండిపోయింది. స్థానికులు సహాయక చర్యల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. ఇక ఈ సమయంలో రక్తదానం చేసేందుకు పలువురు ముందుకొచ్చారు. బాలాశోర్లోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులకు రక్తం ఇచ్చేందుకు ప్రజలు బారులు తీరారు. I'm going to go to the hospital.
रेलवे का ऐसा इंसिडेंट है होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे जाता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। मैंने जब मिनिस्टर था मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में तब से रेल का इंसिडेंट कम किया था, एक्सीडेंट एकदम। वो ऐसा है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कि दो एक लाइन में दो ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कॉल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है गीत का प्राण चला गया है उसको जिंदगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी। जो परिवार मर गया, हर परिवार को, मेरे का टाइम में भी मैंने हर को नौकरी दिया था। रेलवे का एक सिस्टम है, कोई इंसिडेंट होने से वो लोग 15 लाख रुपया करके देता है, कितना 10 लाख 15 अभी 10 देते हैं। हॉट स्टेट का जो आदमी मर गया हॉट स्टेट तो उसको मदद करेगा, फिर हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी उन परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे। और रेलिया रेलवे के साथ गवर्नमेंट के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे के साथ हम पूरा काम करेंगे, जब तक काम खत्म नहीं होगा। हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था। हमारा 40 डॉक्टर इधर में पहुंच चुका है, काम कर रहा है, हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है। और हम आज भेजा था उसमें जो थोड़ा सा इंजर्ड है वो बंगाल में वापस चला गया। और हम रेल को भी कहने चाहूंगी कि अगर कैसे जाएगा, अभी तो इसमें रास्ता क्लियर नहीं होने से नहीं होगा। ऑलरेडी बालेश्वर से कोलकाता और इधर सोरो से भुवनेश्वर की तरफ लगातार शटल चल रही है। जो भी पेशेंट या जो भी पेशेंट्स के पैसेंजर्स के रिलेटिव्स आना चाहे या इधर से जाना चाहे उनके लिए पूरी सुविधा कर दी है। सुबह से शटल चल रही है, शटल चल रहा है, हम भी बस स्टेट गवर्नमेंट ने भी बसें प्रोवाइड किया है, हम भी बस प्रोवाइड किया है। अगर कोई भी दिक्कत है कोई परिवार को और कोई भी दिक्कत है कोई रिलेटिव को, हमारा इधर में हमारा भी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हम ऑफिसर को 50 ऑफिसर को एक टीम इधर में टीम भेजा है, जो ओडिशा लैंग्वेज भी कह सकता है तो वो लोग भी उसको देख सकता है। हम चाहते हैं आप लोग कोऑपरेशन बहुत किया है और कोऑपरेशन करें, और जो मर गया है हमको तो कहने का कोई बात नहीं है, इसमें जरूर कुछ है। अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है, 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्टेंट हुआ है, सारा कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था उसका बाद, आज का जो ऑफिशियल ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो 238 हमारा कल से है, कल से हमारा पास 238 है। लेकिन मेरे को जानकारी ये भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका, निकल चुके वो जो है, आप कर लीजिए। देखिए तो हमको जो बात बाकी है वो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी है, वी आर शॉक्ड फॉर दिस इंसिडेंट। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है, रेलवे को स्पेशली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन गैप हो गया है। रेलवे में 8 कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस था, अभी रेलवे को बजट भी नहीं होता है, रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया। मेरे को लगता है कि हम रेल में 3 साल काम किया है,
रेल हमारा बच्चा का मुताबिक है। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द रेलवे फैमिली। इसी के लिए रेलवे का अगर मिनिस्टर कभी हमारे पास कोई सजेशन मांगे तो हम जरूर देने के लिए तैयार हैं। हम थोड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे, इसके बाद पीएम भी आएंगे मैं सुना है, तो इसी के लिए हम लोगों टाइम का भी बात है। मैं नवीन जी को भी हमारा धन्यवाद देते हैं और हमारा वी आर ऑल्सो वर्किंग फुल नाइट। বাংলা থেকে আমাদের কাছে যেটা ইনফরমেশন, আমাদের প্রচুর লোক আছে, 60% বাংলার হয়। আমি মনে করি কোনো মৃত্যু নিয়ে কনফিউশন হওয়া উচিত নয়। তার কারণ হচ্ছে এই ইনসিডেন্টের ন্যাচারাল ক্যালামিটিস এর মতো ন্যাচারাল ডিজাস্টার। ডিজাস্টারের সময় আমরা রাজনীতি করি না, ডিজাস্টারের সময় আমরা মানুষের পাশে থাকি এবং মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সাহায্য করি। আমি সাহায্য করতে এসেছি।